उन्हां बच्चियां दी गल करांगे जिहड़े कि कैनेडा दे विच इशू होया सी कि 700 दे करीब बच्चे रिपोर्ट कीते जा रहे। सिर्फ एक ही कारण हैगा फॉर्जी डॉक्यूमेंट्स। ये फेक डॉक्यूमेंट वाला जो काम होंदा है इहदे नाल की होंदा है कि भी बच्चे का ही फ्यूचर स्पॉइल होंदा, किसी होर का स्पॉइल तो नहीं होंदा। वो तो उन्होंने पैसे खाधे तो वह जेलों में ने। जो साडे बच्चे ने एजुकेशन देखन गए ने, जिन्होंने हजे तक कुछ नहीं किया, अपना हजे तक वर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं जमाए, पैर नहीं जमाए, उन्हों का फ्यूचर खराब हो जाए तो वह बहुत बड़ी गल है। स्टडी करन तो बाद WB लिया, WB तो बाद PR जब पाई, PR होने तो बाद जो उन्होंने वैस क्लीयर नहीं हुई, एक अद्धी फाइल की वैस क्लीयर नहीं हुई, इतने 700 एप्लीकेशन की वैस क्लीयर नहीं हुई। वैस क्लीयर क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो सारे डुप्लीकेट डिग्रियां सी, उन्होंने डॉक्यूमेंट जिन्हें भी सके सारे के सारे फेक सके। सत श्री अकाल, तुसीं लुधियाना टाइम्स देख रहे हो तो मैं अमन सिंह तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत करदा। नौजवानों के जिस तरह के उन्हां दी इच्छा मुताबक बाहर जाना चाहते ने और बाहर जाके अपने फ्यूचर नूं होर बैटर बनाउणा चाहते ने, पर किते ना किते वेख्या जांदा कि इन्हां कोशिशां दे विच कुछ गलतियां भी नौजवान कर लैंदे ने। पिछले दिन ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते एक खबर जिहड़ी आ काफ़ी वायरल होई सी कि कैनेडा दे विचों 700 दे करीब नौजवानों नूं डिपोर्ट किया जा रहा। वह की कारण सन, किसी ने उस बारे चर्चा नहीं की, अज उस बारे भी चर्चा होएगी कि कारण करके उन्हां बच्चों नूं डिपोर्ट किया जा रहा है। ये वीडियो खास करके उन्हां नौजवानों दे लई है, इसनों वेखो, अमल करो, उन्हां नौजवानों नूं अवेयर करन दी एक कोशिश है जेड़े सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि असी बाहर चले जा रही, किसी भी कंडीशन दे विच उन्हां दा मुख मोटिव बाहर जाना है। पर हमेशा सही गाइडेंस ही तुहाडा जिहड़ा फ्यूचर है वह बैटर कर सकती है। सो साडे नाल अज मौजूद ने अमित मल्होत्रा जी, ग्लोबल वे इमीग्रेशन दे विच असी मौजूद हाँ। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर, अज का जो टॉपिक है, सब तो पहला तो मैं जानना चाहाँगा कि उन्होंने बच्चों की गल करा जो कि कैनेडा के इशू होया कि 700 के करीब बच्चे रिपोर्ट किए जा रहे, की कारण सन उन्होंने रिपोर्ट करन दे, क्योंकि अजकल इस बारे किसी ने चर्चा नहीं की। सब एक ही कारण है फॉर्जी डॉक्यूमेंट्स। क्यों? बहुत सारे बच्चे बाहर जाते हैं, कई बच्चों के 40% मार्क्स होंगे ने, 45% मार्क्स होंगे ने, 50% मार्क्स होंगे ने, सोल्यूशन नहीं करते, वो जाते हैं एक्चुअली विच वो अपने आप को सिलेंडर कर देंगे कंसल्टेंट्स के कोल जाके, एजेंट्स के कोल जाके। मैं हमेशा गल कही है कि कंसल्टेंट्स से एजेंट्स दो टाइप की पर्सनैलिटी साड़ी इमीग्रेशन इंडस्ट्री के अवेलेबल है, ठीक है जी। कंसल्टेंट्स वो होंगे ने जो सिर्फ मनी माइंडेड होंगे ने, वो बच्चे के करियर में लैके सीरीयस नहीं होंगे, उन्होंने बस किसी भी पास पैसा बंदा दिखना चाहिए। जो बच्चा वो आता है उन्होंने लगता है कि भी जो बंदा मेरे सामने बैठा है वह बंदा मेरे नालों बहुत ज़्यादा नॉलेजबल है, वो नॉलेज नाल मैं अगे मैं आप सक्सैस हो सकता है, मैं बाहर जा सकता है, कितने भी जा सकता है। ऑन डैट टाइम के बच्चे डिसीजनस लै लेंगे कि जो कंसल्टेंट जो भी एजेंट उन्होंने एडवाइस करता है कि भाई तेरे परसेंटेज बहुत घट ने, तेरे बैंड स्कोर तो अच्छे ने पर तेरे परसेंटेज घट ने, तेनों यदा कोई सोल्यूशन करना चाहिए। तो देखा भी होगा पिछों अपनी पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ एजेंट्स के उत्ते बहुत वड्डी मुहिम चलाई सी, काफ़ी अरेस्ट भी किए थे कि जिन्हें फेक डॉक्यूमेंट्स नूं प्रेजेंट कर रहे थे। ये फेक डॉक्यूमेंट वाला जो काम होंदा है इहदे नाल की होंदा है कि भी बच्चे का ही फ्यूचर स्पॉइल होंदा, किसी होर का स्पॉइल तो नहीं होंदा। वो तो उन्होंने पैसे खाधे तो वह जेलों में ने, बट जो साडे बच्चे ने एजुकेशन देखन गए ने, जिन्होंने हजे तक कुछ नहीं किया, अपना हजे तक वर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं जमाए, पैर नहीं जमाए, उन्हों का फ्यूचर खराब हो जाए तो वह बहुत वड्डी गल है। उस चीज़ करके उन्होंने जो 700 बच्चे डिपोर्टेशन दे पाए ने, वो सिर्फ वो बच्चे ने जो 2019 दे भी जिन्होंने इतों कैनेडा वाल मूव ऑन किया, स्टडी की सी, स्टडी करन तो बाद WB लिया, WB तो बाद PR जब पाई, PR होने तो बाद जो उन्होंने वैस क्लीयर नहीं हुई, एक अद्धी फाइल की वैस क्लीयर नहीं हुई, इतने 700 एप्लीकेशन की वैस क्लीयर नहीं हुई। वैस क्लीयर क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो सारे डुप्लीकेट डिग्रियां सी, उन्होंने डॉक्यूमेंट जिन्हें भी सके सारे के सारे फेक सके, जब फेक सके तो वो बच्चे वापस ही आने से उन्होंने करता काम। क्योंकि हुण जो भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैगी ने बहुत स्ट्रिक्ट हुई हुई ने अबाउट डॉक्यूमेंट्रीज़ के बेस से, और सब तो वड्डी गल हैगी कि ज़्यादातर साढ़े पंजाब ही हो रहा है। पूरे वर्ल्ड विच अगर पंजाब दे विच तुसी कपिल शर्मा का शो भी देखा होगा, कपिल शर्मा शो दे विच भी उन्होंने एक बार गल की थी, कोई आर्टिस्ट आए थे तो उन्होंने कहा कि तुसी कित्थों हो, ये कहंदे जी ये उत्थों ने जिथे सारा बच्चा कैनेडा जाता है, पंजाब का नाम आया सीगा। कि पंजाब का नाम इसलिए मशहूर रहता है कि भी ऑलमोस्ट जिन्हें बच्चे साढ़े पंजाब तो जाते हैं इन्हें वर्ल्ड तो कितों नहीं जाते, जिन्हें पंजाब तो जाते हैं, तो इस सारे बच्चे ऑलमोस्ट मैं नहीं कहता कि सारे सारे ही बच्चे फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पर मोस्टली बच्चे जिन्होंने कुछ परसेंटेज घट होंगे ने इस चीज़ का सोल्यूशन करने लिए फेक डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं, जिदे करके कितने ना कितने ये भी कह सकते हैं कि बच्चों के सिर्फ और सिर्फ एक चाह है कि असी किसी तरीके बाहर चले जाइए,
और वो कितने ना कितने जिहड़े फेक डॉक्यूमेंट्स ने वो इनकलूड कर देंगे ने और अगे जाके ट्रैप हो जाते हैं। की लगता कि यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ इदा दे पॉलिसीज लैके आ रही ने जो इन फेक डॉक्यूमेंट्स नू फड़िया जाए तो ही ये चीज़ा हो रही ने? बिल्कुल जी, मैं अज जो खास इंटरव्यू का है रीज़न वो मैं दसना भी चाहता कि भी एक QC नाम की चिड़िया आ गई है। QC नूं लोकी क्वालिटी चैक समझणगे, क्वालिटी चैक नहीं है। क्वालिटी चैक है, इज़ अ पार्ट ऑफ क्वालिटी चैक, बट इनू क्वालिफिकेशन चैक कहिंदे ने। एक QC की है, QC एक क्वालिफिकेशन एजेंसीज बनिया ने जिन्हां ने प्राइवेट एजेंसीज हैगियां ने, लिमिटेड एजेंसीज हैगियां ने, जिन्हां ने कॉलेज दे नाल यूनिवर्सिटीज दे नाल टैब्स किए ने कि जिन्हें भी इंडियंस डॉक्यूमेंट्स है ने, जो उन्होंने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है ने, जो ये खुद जाके उन्होंने फिजिकली वेरीफाई करेंगे इंस्टीट्यूट्स तो जाके। और वो वास्ते ये बच्चों ने उन्होंने एक डेक्लोरेशन लैटर्स बनाए ने, जो मैं दिखा सकता कैमरे के एक डेक्लोरेशन लैटर दिखाई गई है। ये डेक्लोरेशन लैटर फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने भी अपनी एजुकेशन डिग्रियां की हुई ने, तो ये डेक्लोरेशन लैटर मिलती है जो बच्चा ऑथोराइज करता है कि जी मैं अपने वालों परमिशन ग्रांट कर रहे हैं कि तुम मेरे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हो, क्वालिफिकेशन चैक न कि तुम इन वेरीफाई कर सकते हो, और ये वेरीफाई होकर तुहाडा उत्थे इनू करेंगे। ये साढ़े UK दे विच फिलहाल तो स्टार्ट हो चुके हैं कि हुने हुने रिसेंटली साढ़े मई इनटेक चल रहा है, और मई इनटेक दे विच एक नवी चीज़ आई है बिफोर कैस इन्होंने रिलीज़ करती है कि भी बहुत सारे एप्लीकेशनस आ गई ने और बहुत सारे एप्लीकेशन दे विच QC नाम की चीज़ आ गई है कि हाँ जी एक क्वालिफिकेशन चैक असी करनी है। एक क्वालिफिकेशन जो चैक होएगी, एक क्वालिफिकेशन विच जिहड़े भी फेक डॉक्यूमेंट निकले जाएंगे उन्होंने उन्होंने रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट होएगा तो बच्चे का फ्यूचर फेस स्पॉइल। एक चीज़ तो यह बैटर भी है उन्होंने बच्चों के लिए जोड़े मिसगाइड हो जाते हैं एजेंट्स के पिछे लग के, क्योंकि अगे चाहे तुम एक डॉक्यूमेंट इनकलूड करो चाहे दो करो डुप्लीकेट, वो अगे जाके फड़िया जाएगा। और जे कित किसी बच्चे के 10 डॉक्यूमेंट्स के एक डॉक्यूमेंट फेक है तो बाकी सारे भी जोड़े फेक ही मने जाएंगे और कितना कितने वह जो कैरियर है स्पॉयल हो सकता। सो ये भी एक अवेयरनैस जी जरूरी है। मेरे मुताबिक तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैनू इस चीज़ तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस ये है कि भी ये जो चीज़ आई है ये पिछले रीज़न की है, ये पिछले रीज़न सिर्फ डॉक्यूमेंट फेक्स की वजह है। देखो बहुत सारे पिछले वीडियोज़ मैं किया कि भी साढ़े पंजाब ते हरियाणा ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ लंडन की यूनिवर्सिटीज़ UK की यूनिवर्सिटीज़ ब्लैकलिस्ट करती जा रही ने कि नहीं असी पंजाब का बच्चा नहीं लेना, भावें 6 बैंड है भावें 6.5 बैंड हो, पर कहें कि असी बच्चा नहीं लेना। उसका एक कारण फेक डॉक्यूमेंट्स है, कुछ बच्चे उत्थे पढ़ते नहीं है, बस एक बार अंदर पहुँचने का वे लगते हैं कि हाँ जी पहुँच जाइए, ए जी की चीज़ नहीं हैगी जो UK भी नहीं हैगी। देखो कैनेडा में आप जाते हैं PR लेंगे, PR वास्ते भी आप स्टडी करते हैं, स्टडी करके सू क्रेडिट्स मिलते हैं, वही सेम प्लान इतने UK भी है, तुम स्टडी करो तो स्टडी करके WB मिलेगा, WB करके दोनों के क्रेडिट्स मिलेंगे, क्रेडिट्स के बेस से तुम UK PR पा सकते हो। तो आप क्यों इनलीगल वे फड़ते हैं, क्यों असी एक बार स्टडी बेस ले लेंगे तो आप उत्थे पहुँच जाते हैं, पहुँचने तो बाद असी उत्थे पढ़ते नहीं, असी उत्थे मिसगाइड उत्थे भी हो जाते हैं। कोई बंदा कहता भाजी इतने पढ़ के की करना, चलो तुम अमरीका डोंकी लगवा दा, उन्हें डोंकी के चक्कर चल जाते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि जी असी पढ़ना नहीं, असी कुड़ी दा गोड़ी दा विआह करा लैंदे आ इत्थे पक्के हो जाएंगे। कई बंदे उत्थे इलीगल लॉज के नाल वकीलों को करते हैं कि साडा वर्क परमिट कन्वर्ट हुंदा है, ऐ जी स्कीमां नूं फोकस करते हैं। जब तुम वर्क परमिट लेना है तुम पहले इंडिया ये सब चीज़ें सोच के जाओ, तुम स्टडी नूं ही यूज़ क्यों करते हो कि स्टडी तो तुम एक तो स्टडी का नाम भी खराब हो रहा है ते और आने वाली कई जनरेशन उसी खराब कर रहे हो। कई बच्चे ने जो हम +2 कंप्लीट हो गए हूँ रिजल्ट आए ने, उन बच्चों ने अपनी एजुकेशन क्लियर की, उन बच्चों ने अपना फोकस बना लिया कि जी मैं अब्रॉड जाना है, मैं UK जाना है, मैं सैटल होना है, तो उन्हों का भी फ्यूचर स्पॉयल हो रहा है। इस एक बच्चे की गलती नाल पिछले बच्चे भुगतते हैं। तो बैटर यह है कि भी मैनू ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, मैं सपोर्ट करता हूँ, क्वालिफिकेशन चैक होनी चाहिए है कि जेडे बच्चे फेक डॉक्यूमेंट लैके आ रहे हैं वो ना अप्लाई करन, बैटर यह है। हाँ अगर उन्होंने को 40% ऑप्शन है तो उन्होंने वास्ते ऑप्शन है, यह नहीं है कि उन्होंने बच्चों वास्ते ऑप्शन ही नहीं है कि बेचारे ये वाले स्टैप चकते हैं, पर उन्होंने वास्ते दूजे ऑप्शन ने, पर सच्चाई नाल चलिए तो ज़्यादा बैटर। बिल्कुल फेयर तरीके नाल जे जाया जाए तो साडे लिए बैटर, सब तो बैटर। अमित जी एक चीज़ होर दर्शकों नूं दसो, उन्हां नौजवानों नूं दसो जिहड़े बाहर जाण दे इच्छुक ने, कि जिहड़ा ये क्वालिफिकेशन चैक है किन्हां कंट्रीज़ दे विच कंपलसरी है और की सारियां यूनिवर्सिटीज़ इस नूं अप्लाई कर रही ने या कुछ यूनिवर्सिटी ने हले अप्लाई किया? हजे तक कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अप्लाई किया UK दियाँ, और मोस्टली होप है कि भई सितंबर तक सारी यूनिवर्सिटीज़ इनू अप्लाई करन वालियां ने, और क्योंकि ये चीज़ बहुत फास्टली अवेयर हो रही है और यूनिवर्सिटीज़ इनू सपोर्ट कर रही है क्योंकि ये चीज़ बहुत नवी अपडेट हुई है। QC इनू QC कहते हैं और ये नवी चीज़ अपडेट हुई हैगी है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ नूं क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ बेनीफिट होने वाला, क्योंकि उन्होंने एक तो एक अगे जाली लगा लो कि जाली लग गई है कि जिदे नाल उन्होंने कचरा नहीं आएगा अंदर, वो अपने 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 एरिए मतलब अपनी जगह नूं बचाने की कोशिश करते पे ने, तो अच्छा कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो ये वास्ते सानू भी इसका बेनीफिट है कि भी एजुकेशन इंडस्ट्री मरेगी नहीं,
ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਫੇਕ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀ ਕਿਊਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਚਾਰਜਿਸ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ £30 ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਪਲੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਵ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਊਸੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ? ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲੋਬਲ ਵੇ ਆ ਕੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 30% ਤੱਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਲ ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ 40-45% ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 50% ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਵਿਦਆਊਟ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ? ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਫਰੋਜਰੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਊਸੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਛਾਨਣੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਏਜੰਟਸ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸੋਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।